भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस के आईजी ओमबीर सिंह बिश्नोई ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया गया था। आईजी बिश्नोई के अनुसार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह देखा गया कि आरोपी सुधीर सांगवान और उसका सहयोगी सुखविंदर सिंह सोनाली के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। एक वीडियो में दिख रहा है कि उनमें से एक ने पीड़िता को जबरदस्ती एक पदार्थ का सेवन कराया। पूछताछ में सुखविंदर और सुधीर ने कबूल किया कि उन्होंने जानबूझकर लिक्विड में कुछ मिलाकर सोनाली को पिलाया था। ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो आरोपी ही उसे बाथरूम ले गए थे। आईजी ने कहा कि एफएसएल के एक्सपर्ट को बुलाया गया है। आगे की पूछताछ के लिए आरोपियों को एक टीम के साथ विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा ताकि आगे सबूत मिल सके। भाजपा नेता व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के शव का गुरुवार दोपहर गोवा के मेडिकल एवं फॉरेंसिक कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर गहरी गुम चोट के निशान हैं। हालांकि रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं गोवा पुलिस ने उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 23 अगस्त को उनकी मौत की पुष्टि हुई थी। गोवा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुनील श्रीकांत और डॉक्टर महेंद्र की टीम ने सोनाली के शव का पोस्टमार्टम किया। दोनों डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट में लिखा है कि पोस्टमार्टम के बाद जितने भी सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं वे लैब में भेज दिए गए हैं। शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। ये जानकारी मामले के जाँच अधिकारी जुटाएंगे कि ये निशान कैसे आए। सोनाली फोगाट की मौत के बाद का घटनाक्रम बड़े षड्यंत्र की कहानी कह रहा है। मौत के कुछ घंटे बाद ही सोनाली के साथ काम करने वाला उनका कंप्यूटर ऑपरेटर संदिग्ध हालत में फरार हो गया। ऑपरेटर अपने साथ लैपटॉप भी ले गया। घर की डीवीआर भी गायब है। अलमारी में रखे दस्तावेज भी नहीं मिले। आखिर लैपटॉप को क्यों गायब कराया गया? क्या लैपटॉप से डेटा को गायब कर दिया गया है? सोनाली ने अपने जीजा को बताया था कि 3 साल पहले सुधीर ने मुझे नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान आरोपी ने उसका वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर कहा कि राजनीतिक और फिल्मी करियर तबाह कर दूंगा। इसके बाद लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेल करता रहा। जो वह कहता सोनाली करने पर मजबूर होती। फतेहाबाद जिले के गांव भूथन कला निवासी रिंकू ने बताया कि उसकी बहन सोनाली फोगाट ने वर्ष 2019 में आदमपुर सीट पर विधायक का चुनाव लड़ा था। इसी दौरान गोहाना के पास खेड़ी निवासी सुधीर सांगवान को पीए नौकरी पर रख लिया था। सुधीर ने भिवानी निवासी सुखविंदर श्योराण को भी अपने साथ रख लिया। 14 फरवरी 2021 में संत नगर में सोनाली के घर चोरी के बाद सभी नौकरों को हटा दिया गया। पीए सुधीर सांगवान ही सोनाली के खाने की व्यवस्था देखने लगा। 3 महीने पहले सोनाली ने फोन कर बताया कि शाम को सुधीर ने मुझे खीर खाने के लिए दी थी, उसके बाद मेरी सेहत बिगड़ गई। इस बारे में सुधीर से बात की तो उसने गोलमोल जवाब दिया। पीए होने के कारण लेन देन और कागजी कार्रवाई सुधीर करता था। सोनाली बिना पढ़े कागजों पर हस्ताक्षर कर देती थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।